अभी जो है मेरा आया गाइस बहुत सारा राशन, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या मैंने मंगाया। इसमें बहुत सारी चटर बटर भी है, और नवदीप क्योंकि जितना जिम करते हैं उतनी चटर बटर भी खाते हैं वो। और मैंने इसको कर रखा था बंद, इसको खोल देते हैं और मैं दृष्टि को बोल रही हूँ कि तेरे पापा आ जा। मैंने इसको बंद कर रखा था। चलो 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 चलो, अब इसकी पार्टी हो गई। वाओ इतना सारा सामान, ओए चल हट जा। अब मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या मंगाया है। रुक जा, चेज चेज, दृष्टि वाह सो रही है अभी तक, लेटी हुई है दृष्टि। चेज चल हट, गोदी में से जा। चेज इधर हो गए, इधर है, इधर है, बस इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सबसे पहले ये है स्वीट लाइम पिकल, देन उसके बाद ये ऑलिव ऑयल आ गया। तो इस बार बड़ी बॉटल मिल नहीं रही थी मेरे को ऑलिव ऑयल की, तो छोटी वाली मंगा ली है। बाकी बिस्किट्स काफ़ी पसंद है मुझे, डार्क फैंटेसीज, तो ये चॉकोफिल, एक मैगी हो गया। बाकी इस बार मैंने ना चटर बटर इसलिए मंगाया है, आपको लगता होगा कि नवदीप चटर बटर नहीं खाते हैं, पर वो बहुत चटर बटर भी खाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी पसंद है, चिप्स चुप्स ये खा लेते हैं वो। तो ओहो चेज आराम से बैठ जा इसको तो ये है लिटिल हार्ट्स, जो कि मेरे भी फेवरेट हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। और मैंने लास्ट टाइम यार ये वाले मंगाए थे मल्टीग्रेन चिप्स यो टम के, जो कि बहुत ही अच्छे लगे थे मेरे को। बाकी ये बेसन है, ये आई थिंक मूंग दाल, और इधर जो है ये आ गए मेरे पॉपकॉर्न्स, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है पॉपकॉर्न्स, और मैं खाती रहती हूँ ये काफ़ी टाइम, तो फैमिली पैक है बड़े वाला। और बाकी अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, आज मैंने बताया कि मोस्टली सारे यही चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है ये सब चीज़ें मंगा नहीं रही थी, दृष्टि को भी लिमिटेड ही मैं दे रही थी, बट अभी क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे, तो मैंने कहा कि चलो इकट्ठे एक बार सारा सामान जो है बिग बास्केट से मंगा लिया जाए। तो ये जो होगा ये है एप्पल जूस, ठीक है। मैंने इस बार कुछ नया ट्राई करा है, ये वाला है बीट रूट एंड कैरेट, मैंने कहा इसका टेस्ट देखेंगे कि इस बार ये कैसा निकलता है, बीट रूट एंड कैरेट जूस। तो बाकी तो जो हैं ये वाले ही हैं सब, और मैं अभी आपको अंदर 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 और दिखाती हूँ। ओए हटाओ हटाओ मुँह अपना, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ सामान से, आराम से बैठ, चीज उधर होके बैठ जाओ, सिट सिट सिट। तो ये हो गए अंकल चिप्स, ये छोटे वाले पैकेट्स मैंने इसलिए मंगाए हैं इस बार, ज़्यादातर आप नमकीने देखोगे, क्योंकि बड़े पैकेट यार खाया नहीं जाता, और ये सील जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, डब्बे में डालो तो उनका टेस्ट वो हो जाता है, तो ये एक या दो बार में आप ये छोटा पैकेट ले लो और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बार मैंने मोस्टली सारी नमकीन जो हैं छोटे पैकेट ही मंगाए हैं। ये हटो, ये हो गई हल्दीराम्स आलू भुजिया, ये हो गया हल्दीराम्स का पंजाबी तड़का, ये हो गया रोस्टेड चना क्रैकर, हींग जीरा चने हैं ये, बाकी ये तो सब कुरकुरे भुरकुरे हो गए। एक ये वाला है सॉल्टेड पीनट्स हल्दीराम्स का, बाकी ये भी हल्दीराम का है खट्टा मीठा के, दो पैकेट आप देखेंगे सारे ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं। उसके बाद मेरे को जो जो वहाँ दिखे मैंने सारे डाल दिए इसमें। तो ये हो गया हल्दीराम्स का नवरत्न मिक्सचर, सारे छोटे छोटे पैकेट, क्योंकि वो चाय बहुत पीते हैं, चा चा चा, तो चा के साथ फिर नमकीन भी खाई जाती है इसीलिए। ये है हल्दीराम्स का लाइट चिवड़ा चिवड़ा, ठीक है। तो ये हो गए लस्सी के कुछ डब्बे, और ये भी लस्सी है, और ये तो सेंटर फ्रेश है। बाकी ये हो गए फाइव, ये है मैंगो लस्सी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी होती है, जो कि आपको हमेशा ही मेरे सामान में दिखती है, तो ये कोई नई चीज़ है नहीं, जो मैं बहुत बार मंगा चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ। और ये हो गए स्ट्रॉबेरी वाली, तो मुझे ये फ्लेवर्ड लस्सी बहुत टेस्टी लगती है यार। तो हटो हटो, इस बार ये वाली मैंने मंगा ली, इस बार मैंने कर्ड नहीं मंगाई है, जो हमेशा मैं फ्लेवर्ड कर्ड मंगाती हूँ ना, इस बार मैंने वो नहीं मंगाई है, सिंपल कर्ड मंगाई है,
बाकी जो ये वाले बिस्किट्स हैं ना, आप सोचोगे ये मैं ही खाती हूँ, ये मेरे को ये जो है ना इलायची क्रीम बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इसके मैंने 5 पैकेट्स मंगाए हैं वैसे, ये सारे हैं। ठीक है, ये हो गए। और नीचे ये चेज़ की फेवरेट ये वाली है, जो मम्मी के घर मेरे को लास्ट टाइम मिल नहीं रही थी ना, ये है वो बन, फ्रूट बन। तो इसमें ना चेरी होती है, मीठे मीठे होते हैं, हल्के हल्के, ज़्यादा मीठे नहीं होते, बट यस ये इसके बहुत फेवरेट हैं चेज़ के। तो इसके ये आ गए बन, ठीक है ना। बाकी इधर ये हो गया, ये आटा है। इस बार आटा भी मैंने 2 पैकेट है, मैंने ज़्यादा ज़्यादा आटा नहीं मंगाया, क्योंकि आटा हमारे ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम ही रहती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा आटा मंगाते तो ठीक नहीं रहता, तो उतना उतना मंगा लेते हैं हम। तो ये हो गई ब्राउन ब्रेड्स, तो अगेन ये 2 पैकेट हो गए ब्राउन ब्रेड के। चेज बैठा हुआ देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, और आज इसने नाई नाई करनी है, अभी इसको नहलाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में, नाई नाई करेगा चेज, पापा आएंगे फिर गंदा गंदा हो रहा है। और ये हो गए अंकल चिप्स, फिर वही अगेन ये सेंटर फ्रेश, और ये है मसाला उपमा। इधर ये जो है आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि इजी रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पेस्ट ही मंगा लेती हूँ। ये हो गया पूरा रोस्टेड बैम्बिनो का बड़ा वाला पैकेट, क्योंकि हम बैम्बिनोस काफ़ी खाते हैं हम दोनों, मैं और दृष्टि दोनों ही खाते हैं। ये क्या है भाई, ये हो गए नींबू। और मैंने इसकी चेज़ की भी फेवरेट चीज़ है, वो भी यहीं कहीं मिल जाएगी। ये क्या है, ये तो टिंडे हैं, आपको पता ही होगा चेज़ जो है हमारा वो शकरकंदी का बहुत शौकीन है। ओए हटो हटो, ये हो गई किलो वाली दही। बाकी ये हमारी चॉकलेट्स हो गई हैं, छोटी वाली मंगाई हैं, बाकी ये आपको दिखाती हूँ। ये हो गया एक पाइनएप्पल डिलाइट इधर, और ये जो है मैंने ORS मंगाया इस बार, ORS 2 ORS के मंगाए हैं ये वाले। और ये फिर लेज हो गए, ये हो गया बड़े वाला जो है मेगा वैल्यू पैक किसान का कैचअप, और ये वही अगेन सेंटर फ्रेश। इनो मेरे को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने इस बार 2 पाउच ये इनो के मंगा लिए हैं। बाकी ये 3 डब्बे जो हैं बी नेचुरल के मैंने मंगाए हैं। ये हो गए मिक्स फ्रूट्स, वो धूप है, आलू हैं, और टिंडे टुंडे हैं। ये आ गई इसकी फेवरेट चीज़ शकरकंदी, ठीक है। धनिया है, ये आ गया पनीर, और ये सारी चीज़ें उधर, और चीज़ें हैं, गोभी वोभी है, गाजर है, यही सब चीज़ें हैं इसमें, शिमला मिर्च है शायद। तो ये सारे जूसेस हो गए हमारे इधर। तो ये आज सारा जो है सामान अब आ चुका है हमारा पिटारा, अब देखते हैं आज क्या बनाना है, क्योंकि वो आ रहे हैं। बाकी बस सामान हमारा हो गया, और ये चीज़ जो है मेरे साथ इधर बैठ गया, वेट कर रहा चीज़, चेज को मिलेगी चीजी, कौन सी चीजी, चीजी चीजी चीजी, चल चेजू खान, चल तेरे को चेजू नहलाऊं, तू बहुत गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, चल 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 उठ उठ, चले 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 चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज जो है फाइनली ये दिन आ चुका है कि आज जो है नवदीप आ रहे हैं हम लोगों से मिलने के लिए, यानी घर वापस आ रहे हैं वो, और सामान जो है वो मेरा सारा आ चुका है, कुछ सारा मैं लगा चुकी हूँ, कुछ अभी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और सामान जो मैंने अभी रखा हुआ है इधर, इसको भी लगाते हैं। बाकी जो है चेज़ घूम रहा है इधर, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्योंकि यार 3 मंथ्स हो चुके हैं हम लोगों को, ये सेपरेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया हम लोग का, और ऐसा ही होता है यार, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत हार्ड होती है, मुश्किल है, और वो भी बहुत इमोशनल हो रहे थे अभी निकलते हुए, वो मतलब अपनी फ्लाइट में इस टाइम बैठ चुके हैं, और बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं और दृष्टि इधर बैठे हुए हैं, हम दोनों ही हैं, बस देखते हैं कितनी जल्दी आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, पहले उनको ये था मॉर्निंग की फ़्लाइट लेनी है, बट करते करते जो है उनको फ़्लाइट मिला है अभी रात का, तो
रात 10 बजे की फ्लाइट है तो वो मिडनाइट में ही आएंगे, अदरवाइज मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाती, अगर वो सही सुबह वाली फ्लाइट से आते तो मैं ही उनको लेने जाती एयरपोर्ट चली जाती मैं, बट अभी जो है उन्होंने मना कर दिया था। और इसको देखो ये आदमी एक्साइटेड हो रहा है, अभी तो आए नहीं है तब इतना एक्साइटेड हो रहा है, आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये अभी उस टाइम पे ये 2-3 महीने का था जब मिले थे वो इससे, और अब ये 6 मंथ कुछ हो चुका है। तो उन ये देखो, ओए नो 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 चेस नो नो। तो बस बाकी सब जो है तैयारी हो चुकी है, खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ, सारा कुछ रेडी है। खाने का तो अब क्या है, वो खा के आएंगे, इस टाइम तो वैसे ही अब सुबह सुबह ही पहुँचने वाले हैं, देखते हैं कितने बजे आएंगे वो। लेकिन इस टाइम नींद तो नहीं आने वाली पूरी रात, ये तो मुझे पक्का पता है कोई नींद नहीं आने वाली है। तो बाकी मैं आप लोगों से आज मिलवाने वाली हूँ नवदीप को, और अब मेरे ब्लॉग्स में वो मेरे साथ रहने वाले हैं यहाँ पे, तो मिलते ही रहेंगे। और जैसे जैसे जो जो हमारा चलता रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपनी व्लॉग्स को, क्योंकि सारे लोग चाहते थे मैं और नवदीप एक फ्रेम में आए दोनों, तो आज जो है हम एक फ्रेम में आने वाले हैं दोनों। बहुत दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी और मैं चाहती थी कि मैं व्लॉग्स जो उनके साथ ही बनाऊं, और जो भी बनाऊं तो उनके साथ बनाऊं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है, अजीब सा नर्वस भी हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों बट हो रहा है। इतने दिन बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसा ही होता है यार, सच्ची बता रही हूँ, अजीब सी फीलिंग हो रही है बहुत। और अभी देखते हैं, शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, और जब भी बात कर रहे थे अभी हम दोनों जब बात कर रहे थे ना वीडियो कॉल पे, तो दोनों इमोशनल हो रहे थे, रोने लग गए दोनों। तो ऐसा ही होता है, 3 मंथ्स यार कम टाइम नहीं होता सीरियसली। आजकल एक एक दिन इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि 3 मंथ्स तो बहुत ही लंबा टाइम है। तो चलो गाइज, आज मिलवाने वाली हूँ आप लोगों को डायरेक्टली नवदीप से, और दृष्टि यही है मेरे पास ही है दृष्टि। तो दृष्टि मैं चेंज हम वेलकम करने वाले हैं पापा का। तो चलो गाइज, जब आएंगे फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, बाय। हस्बैंड आ चुके हैं, इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5, और आज बहुत लंबा टाइम लगा दिया इन्होंने। दृष्टि लेकर आ रही है चेज को, क्योंकि चेज जो है वो बैठ ही नहीं रहा है घर में, तो उसको लेकर आ रही है साथ में। अब हम चल रहे हैं नीचे, चेज बैठ ही नहीं रहा था, बैठ ही नहीं रहा है चेज। ये देखो कांप रहा है, ठंड इतनी हो रही है। आ चुके पापा, आ चुके। मैं इसको छोड़ दूँ। चेज 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 चेज, हाय 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 खुशी। उन्होंने गाने सुन, आईफोन उन्होंने बोला सर्च कर लेंगे। वाईफाई देख लीजिए। वाईफाई का तो मम्मी बता दो पापा को, शौक देना पड़ेगा, बजट ही मिलेगा ना हमें वाईफाई। तो अभी जो है अभी अभी हमने नवीब का बैग में अनपैक कर रही हूँ। एक्चुअली रात तो मतलब सुबह ही बज गए थे, 5:30 बज चुके थे इनको आते आते। तो अभी जो है मैं ये सारा सामान वगैरह निकाल रही हूँ। दृष्टि ये खड़ी हुई है इधर, और जो चेज है वो ये बैठा हुआ है इधर, और नवदीप में बाथरूम के अंदर ब्रश करने गए हुए हैं। और अभी 12:30 हो चुके हैं, एक्चुअली हम बहुत लेट हो गए, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ पिटारा जो लेकर आए हैं। छुप गए। थोड़ा सा तो नहीं, आपको दिखाती हूँ नवदीप ये सारा कुछ लेकर आए हैं। एक्चुअली वहाँ ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, मैंने कहा और सारी चीज़ें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ये शायद मे भी कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं। और दृष्टि ने स्पेशली अपने लिए काजू वाजू मंगाया वहाँ से, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे को पता था ये क्या चीज़ है। डेट्स? अच्छा अंदर? अच्छा डेट्स है। दृष्टि इतनी एक्साइटेड, और ये भी छोटा, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो शौक में ही चला गया मेरे को लग रहा है उनको देख देख के। दृष्टि की एक्साइटमेंट देखो है। जरा सा कुछ बोल पापा। आ हा हा चेजू क्या हुआ? ये देखो ये दोनों की हो रही है जो आई कॉन्टेक्ट हो रहा है। चेज जो है देख रहा है उधर नवदीप को। तो गाइस ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये भी चॉकलेट्स हैं। और ये क्या चीज़ है ये बताओ? ये
ये भी चॉकलेट्स हैं, तो कुछ स्पेशल है चॉकलेट्स, मतलब नॉर्मल चॉकलेट्स हैं ये सारी। और ये सब तो ड्राई फ्रूट्स ही हो गए, है ना। ये वाली भी चॉकलेट्स है ना, एंड ये वाली भी है ना, सारी चॉकलेट्स हैं। बाकी ये इसमें है ही नहीं। अच्छा ओके फाइन। तो ये जो है नवदीप गिफ्ट देने के लिए लेकर आए हैं, ये पंजाब जाना है ना तो वहाँ के लिए लेकर आए हैं बहुत सारे। तो ये सब खुल गए हैं, दिशी निकाल इनको एक बार तरीके से, आधे आधे डब्बे जो हैं खुल गए हैं ये। तो इनके अंदर जो है वॉचेस हैं सबके अंदर, कुछ पैक्ड है, टेप नहीं लगाया हुआ ना अभी, वो ही निकल गया। नहीं, नहीं।, नहीं नहीं, किसी का वो भी बेचारे का निकल गया है पैक ऐसी बस। हाँ दिखाओ दिखाओ पेंजी, यार देखो पेंजी पेंजी पेंजी, यार देखो पेंजी पेंजी बजाओ तो फ्री पेंजी मुफ्त अफ्री। तुम भी हाय बोल दो सबको, हेलो बोल दो, हेलो हेलो हाउ आर यू, अब बोल दो सारे नु मेरे लो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते। अरे नहीं दिखा रही, भाग जाते हैं भाग जाते हैं। हाँ कितने वॉचेस हैं? एट है ओके। तो इनके बॉक्सेस काफ़ी अच्छे इन्होंने गिफ्ट पैक करवाए थे, पर इसका बो गिर गया है, दृष्टि लगा देगी। ठीक है और कुछ बोलना चाहते हो तुम बाकी सबके लिए? तो YouTube फैमिली के लिए सबके लिए स्वीट्स मुंह मीठा कर लो आप लोग, मैं ऐसी दे सकती हूँ सबको, है ना भाई? हाँ भाई दृष्टि, दृष्टि कुछ कहना चाहती है? पापा आए हैं, दृष्टि आज दृष्टि काम करवाएगी आज थोड़ा बहुत। नहीं पापा ने कहा ना वो करेंगे। क्या क्या काम करे पापा? मैं प्रॉमिस किया था सब्जी बनाने देने, प्रॉमिस किया था भांडे धोने का। आपने काम किचन में कर दोगे? मैं सब्जी बनानी है। हां क्या दृष्टि क्या बोले थे डायलॉग्स बता जरा इधर आके, क्या बोले थे? कि मैं किचन में घुसने नहीं दूंगा तेरे को। हां मेरे को ये बोले सब्जी बनाऊंगा। हां कहते हैं कि मैं तेरे को किचन में घुसने नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही सिर्फ बाजू रखो और कुछ मत दिखाओ। चलो गाइस ये देखो, ये देखो, ओहो ये अच्छा अच्छा आधा दिख, तुम नहीं दिख रहे हो, चिंता ना करो, डोंट वरी, आई मीन छुपी जा रहे हो बस। इसलिए क्या भावना भावना बात है कि है ना VOW। तो गाइस अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, हम लोग अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया था एक दो दिन पहले, तो मैंने नवदीप के लिए काम रखा हुआ था कि नवदीप आए तो हम सिलेंडर लेकर आए, लेकिन मेरे पास नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास लेकिन इलेक्ट्रिक कुकर भी है और इंडक्शन भी मैंने मंगा लिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर मैंने इनको एक काम रखा हुआ था, पर ये काम करे तब ना, क्योंकि ये तो छुट्टियां बिताने आए, मेरे को इतने प्रॉमिस करे थे आने से पहले, मैं ये काम करूंगा तुझे किचन विच वड़ने नहीं दूंगा। वड़ने नहीं मतलब यू आर नॉट कमिंग इन इनसाइड द किचन। ऐसे करेंगी? मैं जाऊंगा ना। ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे किचन में नहीं जाने दूंगा, मैं ये काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, लेकिन अभी सारी चीजें टूटिया बंदा कोई हुंदा बंदे ने कोई हुंदा भी मैं ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये बात तो है, ये काफी दिन से ठीक नहीं है, इनको नजर लग गई यूट्यूब पे जब से आए। मैं तुम्हें सारी गल सुनूंगा कि मैं क्यों आया हुआ ते इधर रीजन की है, बाकी मैं तुम्हें और भी गल्ला करांगा। हां अपनी अपनी सोची ओ केड़ी गल्ला ओए हमने क्या सोचा? हमने कुछ नहीं सोचा, ये भी सोचेंगे बैठ के बड़े खराब है। तो गाइज अभी जो है यही सब चल रहा है, और दृष्टि जो है उसका तो एक्साइटमेंट लेवल ही नेक्स्ट हो रखा है इस टाइम। ये देखो चलो ये अपना लगी पड़ी है, इसको सबसे ज्यादा पूरी रात जागी है ये लड़की कि पापा ने आना है। थोड़ी थोड़ी देर में उठ रही थी और सुबह करते करते इतना लेट हो गए कि 5 बज ही गए इनको आते आते, कुछ ना कुछ चले ही जा रहा था इनका वहां पे, क्योंकि इनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मेडिकल इमरजेंसी आई थिंक की गल। हाँ वो एक्चुअली पेशेंट सी ओदे अंदर फ्लाइट दे अंदर लेडी हाँ। सी ते 5 मंथ प्रेग्नेंट सी की जब लैंड होया ते फिर उन्होंने थोड़ी दिक्कत आ गई। हाँ ओदा तो करके उन्होंने कहा कि तुसी अंदर ही बैठे रहो, कोई भी पैनिक हाँ। ना करो और बैठे रहो, बस वेट करो, जदों पेशेंट ओके होएगा फिर असी सारेनु
और गड्ढा गुदा करके थोड़ा। तो चलो गाइस, छोड़ के नहीं गए है, इन लोगों छोड़ के नहीं गए उनको, किसको, पेशेंट को, पंजाबी बोलो, पंजाबी बोलो, इंग्लिश बोल के बैठे। तो चलो गाइस, ये व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी मैंने बताया कि नवदीप एंड भावना जो है फाइनली हम लोग मिल गए हैं आज, फाइनली। अच्छा एक हग तो कर दो पीछे से आके, इतना सा तो कर सकते हो। सभ्यचार, इतना सभ्यचार, मेरा पति जो है संस्कारी पति है मेरा, बहुत ज्यादा संस्कारी है, संस्कार बड़ी बड़ी संस्कारी। माई माई की तो माई माई पी रही है क्या पानी, मतलब पानी। अच्छा पानी। चलो गाइज, ये व्लॉग तो यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे बाद में आपको, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो व्लॉग, क्योंकि कल से मैं जो हूँ इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। अब आगे आगे जो है मैं बनाती जाऊंगी कंटिन्यू, जैसे जैसे शूट होता जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। बाय कर दो नवदीप। बाय, सत श्री अकाल, ख्याल रखो अपना सारे, बाय।